संजीव झा, गुजरात में आपने निजी हमला किया, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने संजीव झा, और अब ये देखिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये हमला कर दिया। ये बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं क्या? बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है? मानक जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा बीजेपी को करना क्यों पड़ रहा है कि अब प्रधानमंत्री के इमेज को साख लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। एक बात बताइए, आपने जो गोपाल इटालिया का वीडियो दिखाया, ये कितना पुराना वीडियो, कब का वीडियो और डॉक्टर्ड वीडियो है? तो इसका मतलब ये है कि आपने गुजरात में कोई काम नहीं किया, 27 साल में आपने गुजरात को लूटा है, गुजरात को बर्बाद कर दिया। अब आपके पास स्कूल दिखाने के वीडियो नहीं है, आपके पास अस्पताल दिखाने के वीडियो नहीं है, आपके पास रोजगार दिखाने के वीडियो नहीं है, तो पुराने वीडियो खोज कर आप निकाल ले रहे हैं। आप इतना ही कह दीजिए संजीव झा की पुराना वीडियो है, गलत है, उनको माफी मांगनी चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, दो बातें मैंने कहा। एक बात कि ये 33 साल का नौजवान से भारतीय जनता पार्टी इस तरह डर गई है कि आज से 4 साल 5 साल 7 साल पुराने वीडियो को निकालकर डॉक्टर करती है। और अगर यही अपमान है तो मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा। 2013 में स्मृति ईरानी जी ने क्या क्या नहीं कहा था मोदी जी को, मैं सुनाऊ वीडियो आपको। क्या कहा था उन्होंने? उनकी माता जी को कहा था कि ओनली हर क्राइम इज कि शी हैज गिवन बर्थ टू नरेंद्र मोदी जी। तो मैं मेरा यह मानना है, तो वो तो बड़ा अपमान हुआ। तो मतलब आपका स्टैंड ये है आम आदमी पार्टी का कि ये जो गोपाल इटालिया के 3-3 वीडियो वायरल हो रहे हैं ये पुराने हैं और डॉक्टर्ड हैं, ये असली वीडियो नहीं है? दोनों बातें हैं, ये पुराने हैं और डॉक्टर्ड है, और इसीलिए गोपाल इटालिया की इमेज को मेलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको केस करना चाहिए, फिर आपको बीजेपी पर केस करना चाहिए। सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, दोनों कर लेंगे, पूरी बात कर लेता हूं मैं। गोपाल इटालिया पाटीदार समाज से आते हैं, पाटीदार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया था, आज पाटीदार नौजवान एक नेता कैसे बन गया, इससे बीजेपी को दर्द है। हम केस करने नहीं, हम आज गुजरात की समस्याओं को सामने रख रहे हैं। गुजरात बर्बाद कैसे हुआ और समाधान क्या है, हमें गाली गलौज में नहीं जाना है, हमें 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 इनसे बदला नहीं लेना है, हमें देश को समाधान देना है। अरविंद जी कह रहे हैं 130 करोड़ लोगों तक फायदा कैसे पहुंचे, इस पर काम करना है। गुजरात के अंतिम बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, इस पर काम करना है। अरविंद जी गुजरात जाते किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। और अगर गाली की ही बात है, अगर गाली की ही बात है मानक जी, तो आप बीजेपी के प्रधानमंत्री जी के अरविंद जी के बारे में क्या कहा, ये नक्सल गोत्र है इनका। अब बताइए, इनके एक सांसद दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले, क्या कहा उन्होंने, कितने कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी। तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है, लेकिन आज जरूरत यह है कि यह देश आगे कैसे बढ़े, संजू वर्मा रिस्पॉन्ड करिए, कैसे मिले, संजू वर्मा कर रहे हैं।